नमस्कार आप सभी का पुनः स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी में यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के अंक में पिछले अंक में दोस्तों हमने जाना था कि वो कौन सी कुछ बातें थी जो हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हुए अनहेल्दी बना रही थी और उस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण ही हम निरंतर स्वास्थ्य के घेरे में आते जा रहे थे हमारा स्वास्थ्य यानी जिसको हमने पिछली बार ही ये तय किया था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है स्वास्थ्य क्या तो सब कुछ क्या इस विषय पर हमने जाना था अब उस बात की तरफ जाना चाहता हूं जो मैं पहले कह के गया था कि एक डायमेंशन जो मिसिंग था जो डब्ल्यू एच ओ की परिभाषा में पहले था परंतु फिलहाल अब मिसिंग है जिसकी वजह से हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते आइए अब उस डायमेंशन की तरफ चलते हैं उस स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ चलते हैं जो बहुत ही आवश्यक है स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमने जाना था क्या है आध्यात्मिकता परंतु आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात आज हम करने वाले हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमंत जी सर नमस्कार नमस्कार आज हम चाहेंगे कि सर उस खास डायमेंशन पर हम जाएं उस स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ जाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है जी आज हम सभी इस डायमेंशन को भूल चुके हैं पहले डब्ल्यू एच ओ की परिभाषा में ये डायमेंस को शामिल किया गया था परंतु आज हम स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में संपूर्ण अनभिज्ञ हैं और मेरा ये अनुभव है कि अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल हेल्थ को समझ जाए द मिसिंग डायमेंशन को समझ जाए तो संपूर्ण स्वस्थ हो सकता है द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज देखिए हम हेल्दी कहते हैं हेल्दी ये हेल्दी शब्द वास्तव में दो शब्द इसमें छिपा हुआ है हिल प्लस दाए हिल प्लस दाए अर्थात आप अपने को हील करो तो मनुष्य के अंदर वो खूबी है वो विशेषता है जो अपने आप को भी वो हिल कर सकता है लेकिन इसके नॉलेज होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए आज लोगों को नॉलेज नहीं है जिसके कारण वो अपने को हिल क्या करेगा वो खुद ही बीमार है तो हिल प्लस दाय इज हेल्दी सिमिलरली अगर हिंदी का अर्थ लिया जाए देखिए हम स्वास्थ्य कहते हैं और ये स्वास्थ्य शब्द में भी दो शब्द छिपे हुए हैं स्व प्लस अर्थात जो व्यक्ति अपनी स्वस्थिति में स्थित है वो व्यक्ति ही रियली हेल्दी है स्वस्थिति में स्थित रहना ही वास्तव में स्वस्थ रहना है स्व क्या है स्थित किस तरह रहना है इस पे प्रकाश डालना चाहिए आज मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि स्व क्या चीज है स्वस्थिति क्या है जिसमें हम स्थित हों तो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं देख लीजिए इस चित्र में देखिए वो बंदर मिरर में अपना चित्र देख रहा है जी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरा ही चित्र है लेकिन वो समझ रहा है मिरर के पीछे शायद और कोई है वो कहाँ गया पीछे मोड़ के देख रहा है अच्छा। कोई नजर नहीं आ रहा है तो सोच रहा है इधर उधर भाग गया क्या हाँ हाँ हा। तो कहने का मतलब है वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है अगर मनुष्य अपने आप को पहचानता तो आज से हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा ग्रेट फिलोसोफर्स होके गए हैं साक्रेटिस कहते थे हे hey, मानव अपने आप को पहचानो ओ मैन नो तो मनुष्य अगर अपने आप को पहचानता तो ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है एक उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मुझे पूछता है आप कौन हो मैं अगर कहूंगा कि आई एम ए डॉक्टर ठीक बोला ठीक बोला नहीं बोला क्योंकि आपने पूछा कि आप कौन है आपने तो नहीं पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है मैं अगर कहता हूं मैं एक डॉक्टर हूं मैं क्या कर रहा हूं बताया मेरा धंधा क्या है बताया मैं कौन हूँ थोड़ी बताया सही बात तो मैं कौन हूं वास्तव में देखिए इस चित्र में आप क्या आप जो देख रहे हो इन आंखों से क्या आप यही शरीर हो नहीं नहीं इन आंखों द्वारा जो शरीर दिखाई दे रहा है इसकी वास्तविकता क्या है आर यू दिस फिजिकल बॉडी क्या ये शरीर आप हैं नहीं देखिए इसकी वास्तविकता क्या है दिस ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेस एंड बोन्स इसमें हड्डीमांस ही है और कुछ नहीं है ये हड्डीमांस का एक पुतला ही है जो मनुष्य का शरीर आप देख रहे हो बाहर से इसको हम आउटर सेल्फ कहते हैं परंतु इसके अंदर और एक बींग है और एक सेल्फ है जिसको हम इनर सेल्फ कहते हैं वो इनर सेल्फ ही वास्तव में आप रियल में वही हो जो मनुष्य अक्सर करके नहीं जानता है आप इस चित्र में देखिए मनुष्य का शरीर अगर कभी आप ऑपरेशन थिएटर में आएंगे तो मैं दिखाऊंगा बाहर से सुंदर एक पॉलीथिन की तरह एक सुंदर चमड़ी ढकी हुई है लेकिन अंदर कितना मल मूत्र कफ पित्त रक्त क्या क्या भरा पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते मतलब जो हम देख रहे हैं ये एक पैकिंग पेपर है बाहर से एक सुंदर रैपिंग किया गया है लेकिन अंदर क्या है हड्डी मांस का एक पुतला ही है इसके अंदर और एक एक शक्ति प्रवेश कर जाती है तो ही हम ह्यूमन बींग कहलाते हैं तो ह्यूमन बींग शब्द जो है इसका रियल मीनिंग है इसमें भी दो शब्द छिपे हुए हैं ह्यूमस प्लस बींग ये लेटिन टर्मिनोलॉजी है ह्यूमस मीन्स मिट्टी सॉयल सॉ बींग मीन्स आत्मा सोल तो जब ये मिट्टी वाले शरीर के अंदर एक आत्मा एक चेतना शक्ति प्रवेश कर जाती है तब ये देन ओनली वी आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स नहीं तो हम मुर्दे ही हैं आप इस चित्र में देखिए और अच्छी तरह से समझ पाएंगे किसी व्यक्ति को हम लिविंग कहते हैं एक व्यक्ति को हम डेड कहते हैं सही लेकिन दोनों के आंखें हैं हाथ है पाँव है नाक है कान है सब कुछ है परंतु एक को लिविंग कहा जा रहा है दूसरे को डेड कहा जा रहा है क्योंकि so, वो पड़ा है कुछ नहीं कर रहा उसको मृत कह रहे हैं वो लिविंग मतलब कुछ रिएक्शन दे रहा है उसको जिंदा कहते हैं ऐसा तो व्हाट इज द डिफरेंस वो क्यों पड़ा है ऐसा और ये क्यों रिएक्शन कर रहा है क्यों एक्टिविटी कर रहा है वो ऐसे ही पड़ा है क्यों क्या कारण है क्या कारण हो सकता है इसके अंदर एक चेतना शक्ति है एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं दो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है दूसरा बल्ब जल नहीं रहा है अब दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों ही बल्ब है लेकिन एक जल रहा है एक जल नहीं रहा है एक क्यों जल रहा है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिसिटी है शक्ति है जिसके द्वारा वो बल्ब द्वारा वो मैनिफेस्ट हो रहा है इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कनेक्शन नहीं है बल्ब में सब कुछ होते हुए भी जलेगा नहीं जलेगा तो वास्तव में जो रियल काम कर रहा है कौन है इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति होती है जो शक्ति को चेतना शक्ति हम कहते हैं जब तक वो चेतना शक्ति अंदर है तब तक हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को mm -hmm. हम बोल रहे हैं हंस रहे हैं खेल रहे हैं बात कर रहे हैं आपस में दौड़ रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सब एक्टिविटीज जो भी देख रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब वो चेतना शक्ति के वजह ही है अगर वो चेतना शक्ति चली जाती है जैसे हम देख रहे हैं ये बल्ब जल रहे हैं पंखे घूम रहे हैं तो ये सब जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है वही फैन वही बल्ब वही सारे साधन कुछ काम के नहीं है उनसे कुछ हम लाभ नहीं लेते हाँ फिर। इसी प्रकार एक व्यक्ति अभी बोल रहा खा रहा है पी रहा है हंस रहा है दौड़ रहा है जंप मार रहा है एक सेकेंड में एकदम सारी एक्टिविटीज ठप हो गया तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई शक्ति थी और एक उदाहरण देने से क्लियर होगा आजकल बहुत सारे खिलौने होते हैं आप देखे होंगे उसके अंदर जब तक एक सेल है वो खिलौने चलता रहते हैं सब कुछ बहुत सुंदर उसमें गाने भी फिट कर देते हैं आजकल तो खिलौने गीत भी गा के डांस करना शुरू कर देते हैं परंतु दी मोमेंट यू टेक आउट दैट सेल अगर उस सेल को निकाल देते हैं तो खिलौना बेकार हो जाता तब कुछ काम कु का नहीं एक्टिविटी नहीं करता है इसी प्रकार हमारे अंदर एक शक्ति एक है जिसको एक कॉन्सियस एनर्जी कहेंगे तो जब तक वो कॉन्सियसनेस है तो एक डेड बॉडी और एक लिविंग बींग में दोनों में ये अंतर है कि ये सचेतन है वो अचेतन है इसके अंदर कॉन्सियसनेस है वो अनकॉन्सियस पड़ा है उसके अंदर कोई कॉन्सियसनेस नहीं है तो वो कॉन्सियसनेस इज द रियल आई हम जो हम मैं मैं कहते हैं वो कॉन्सियसनेस ही कर रहा है वो रियलिटी हम वही हैं और देखिए ये कॉन्सियसनेस इस चित्र में आप देख लीजिएगा एक रो रहा है एक देखो कितना सुंदर तो, रहे हैं। हाँ तो देखिए ऐसा एक डेड बॉडी ऐसा कर सकता है डेड बॉडी तो नहीं करेगा तो ये कौन कर रहा है दीज आर द साइन ऑफ कॉन्सियसनेस ये हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो चेतना शक्ति के ये मैनिफेस्टेशन है तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कॉन्शियसनेस क्या है ये कॉन्सनेस वास्तव में एक शक्ति है एक मेटाफिजिकल एनर्जी है एक अभौतिक शक्ति है विज्ञान द्वारा आज तक हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके फिजिकल चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उसके बारे में हमको तो संपूर्ण ज्ञान है परंतु ये जो कॉन्स एनर्जी है ये समथिंग इट इज़ अभौतिक मेटाफिजिकल इसके बारे में सब सबको नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल साइंस ओनली कैन प्रूव ऑल दिस थिंग्स एंड कैन टेल अबाउट मोर अबाउट दिस थिंग तो कॉन्सियसनेस वास्तव में जैसे एक उदाहरण के देने से आपको क्लियर होगा आपके पास एक चुंबक लेके आऊंगा आपको पूछूंगा विशाल भाई क्या चीज है आपको कैसे पता चलेगा वो चुंबक है उसके नजदीक कोई हाँ, आयरन का यस सामान लगाएंगे तो वो उसको खींचेगा तो देखिए हर एक चीज के अपने अपने कुछ क्वालिटीज होते हैं कुछ गुण होते हैं कुछ विशेषताएं होते हैं उसके आधार से उसकी पहचान होती है सही बात तो इस प्रकार जैसे चुंबक को उसके नज़दीक अगर कुछ भी आयरन की चीज़ लेते हो तुरंत आकर्षित करता है तो आप समझ जाते हो कि ये चुंबक है इसी प्रकार जो कॉन्सस एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है जैसे हीट एनर्जी है लाइट एनर्जी है हम विज्ञान में इसके गुण इसके मौलिक धर्म पढ़ते हैं इसी प्रकार जो कॉन्सियस एनर्जी है उसके भी कुछ गुण होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए द पावर टू थिंक द पावर टू जज द पावर टू डिसाइड पावर टू डिस्क्रिमिनेट पावर टू रिमेम्बर एंड फॉरगेट फीलिंग अ पेन एंड प्लेजर स्लिपिंग इटिंग ट्राइंग लविंग ये सब एक चेतना शक्ति के ही मैनिफेस्टेशन है कोई एक हैमर में लाके आ मारता है आपको तुरंत पेन फील होगा एक डेड बॉडी को कितने भी मारो फेन होता है नहीं। क्योंकि नहीं। उसके अंदर कोई कॉन्शसनेस नहीं है नहीं। एक डेड बॉडी को कितना भी गाली दो फील करता है तो जो हम सोचते हैं जो डिसीजन लेते हैं ये अच्छा है बुरा है याद करते हैं भूल जाते हैं सोते हैं जागते हैं खाते हैं पीते हैं ये सब जो क्वालिटीज़ है गुण है ये एक कॉन्स एनर्जी की ही होती है एक डेड बॉडी जिसमें कॉन्ससनेस नहीं है उसके अंदर ये सारे क्वालिटीज नहीं हो सकते हैं तो कॉन्सनेस एक वास्तव में एक शक्ति है एक मेटाफिजिकल एनर्जी और इसको हम अनेक भाषा में अनेक शब्द दे दिए हैं जैसे इसको स्पिरिट कहते हैं कोई प्राण कह देता है कोई आत्मा कहला कह देता है तो अनेक कोई रूह कहता है तो वास्तव में रियलिटी हमारे शरीर के अंदर हम वो स्पिरिट हैं और जिसके अंदर वो कॉन्सनेस है और हम सभी एक एक अभौतिक मेटाफिजिकल बींग हैं तो हमारी रियलिटी तो यही है असली तो यही है तो हम एक एक, एक, -एक आत्मा हैं और इसको इनर सेल्फ भी हम कहेंगे बाहर से जो दिख रहा है ये आउटर सेल्फ है लेकिन अंदर जो हम रियली really जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस शरीर के द्वारा हम वास्तव में ओ रियल इनर सेल्फ एक, आत्मा एक, आत्मा, एक 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 आत्मा स्पिरिट है स्पिरिचुअलिटी उसे कहा जाता है इट इज द साइंस ऑफ द स्पिरिट अर्थात सेल्फ द सुप्रीम द गॉड एट द क्रिएशन तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान स्पिरिचुअल साइंस में ही हमें मिलता है तो रियल डेफिनेशन हम रियली really कौन है उसकी पहचान हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही जानते हैं तो आप देखिए इस चित्र में और आपको क्लियर होगा कि हम सभी वास्तव में एक एक मेटाफिजिकल एनर्जी एक आत्मा है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन में ही हम सिचुएटेड होके रह के इस शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट करते हैं जैसे एक उदाहरण के रूप में एक कार अपने आप चलता है नहीं चलेगा ड्राइवर चाहिए कोई चाहिए। ना कोई इसको कंट्रोल करने वाला चाहिए एक ड्राइवर चाहिए और ड्राइवर जब बैठता है वो उसका इंजन के नज़दीक ही बैठ के उसको कंट्रोल करता है सिमिलरली हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो मेन इंजन है हमारा ब्रेन है तो इसमें दो कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं एक न्यूरोनल सिस्टम एक हार्मोनल सिस्टम ये दोनों हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और दोनों सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमारी आत्मा जो सोल जो मेटाफिजिकल एनर्जी है वहां ही बैठ के इन आंखों द्वारा देखती है नाक द्वारा सुंघती है कान द्वारा सुनती है हाथ द्वारा काम करती है और मुख द्वारा बोलती है टेस्ट लेती है सो सोल इज द मास्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं इन आंखें तो झरोखे हैं तो झरोखे द्वारा देखने वाला तो और कोई होगा ना बिल्कुल तो इसलिए एक डेड बॉडी की भी आंखें होती है लेकिन डेड बॉडी देख नहीं सकती सो so, जो स्वस्थिति जो बताया स्वास्थ्य के बारे में स्व में स्थित रहना तो हमें यही आवश्यक है कि हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कौन है और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज में नेचर में हमें स्थित रहना जो व्यक्ति अपने को पहचान कर अपने स्व नेचर में स्थित रहता है वही हेल्दी रह सकता है तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आई है कि अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं हेल्दी बनना चाहते हैं तो पहले हमें स्व को जान लेना पड़ेगा और आज की इस छोटी सी परिचर्चा में हमने ये समझा है कि स्व हम हैं क्या अभी तक तो हम यही मानते थे कि जो हम दिखते हैं जो हमारे ये ऑर्गन्स कर रहे हैं वो सभी मिला जुला के हम हैं यानी बॉडी ही हम हैं लेकिन ये एक हकीकत सामने आई कि शरीर हम नहीं हैं शरीर के भीतर वो स्पिरिट जिसकी वजह से ये सब कार्य करते हैं वो हम है। अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें पहले अपने उस पर जाना पड़ेगा उसमें स्थित होना पड़ेगा, फिर निश्चित तौर पे स्वास्थ्य हमारी तरफ आएगा बात ये उठती है सर इसमें कि हम जब स्व में स्थित हो गए स्वस्थित हो गई तो इसमें कैसे हमें स्वास्थ्य मिलेगा स्वा, हमारी हेल्थ कैसे इससे इम्प्रूव होगी जी जी बहुत सुंदर प्रश्न है सभी के मन में यही प्रश्न उठता है देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं ए हेल्दी सोल विथ ऑरिजिनल नेचर मैं बताया जैसे हर एक चीज के एक ओरिजिनल नेचर होता है क्वालिटीज होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य का ओरिजिनल नेचर है प्रकाश फैलाना जैसे पानी का ओरिजिनल नेचर है प्यास बुझाना या कहीं भी किसी भी कंटेनर में रख लो एक लेवल मेंटेन करके रहना इस प्रकार हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हर एक चीज़ का अपना अपना कुछ धर्म होता है नेचर होता है क्वालिटीज़ होते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसको इसी प्रकार आत्मा भी एक शक्ति है तो आत्मा की भी अपनी कुछ नेचर होते हैं क्वालिटीज़ हैं और जो ओरिजिनल नेचर में जब आत्मा होती है उस समय आत्मा वास्तव में हेल्दी होती है और उस समय हम उसको स्पिरिचुअली हेल्दी हम कह सकते हैं स्पिरिट जब अपने स्व नेचर में स्थित है ओरिजिनल नेचर में स्थित है तब ही हम स्पिरिचुअली हेल्दी कह सकते हैं इस चित्र में देखिए आत्मा जिसको हम एक मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं इसके भी कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं ओरिजिनल वर्च्यूज होते हैं क्वालिटीज होते हैं जो मुख्य रूप में सात हैं वो सात क्वालिटीज जब आत्मा के अंदर है तो उसको हम आत्मा के सतोगुणी स्थिति कहते हैं सतोगुणी स्टेज कहते हैं हर एक चीज ये संसार में आप हर एक चीज देख लीजिए तो एक प्योर ओरिजिनल स्टेज होता है धीरे धीरे डिटोरेट होता है धीरे धीरे लास्ट में एकदम टोटली डिटोरेटेड हो जाता है जिसको हम हमारी भारतीय भाषा में सतो रजो तमो स्थिति कहते हैं सतो रजो तमो हर एक चीज़ नई से पुरानी होकर एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है है ना नहीं तो इसी प्रकार आत्मा के जो ओरिजिनल नेचर है जो हंड्रेड परसेंट ये सेवन वर्च्यूज सात क्वालिटीज़ जो है उसमें जब आत्मा पूरा भरपूर हो जाती है उस समय आत्मा की सतोगुणी स्टेज कहते हैं और वो सात बेसिक नेचर्स क्या क्या है जो हमें खुद को पसंद आता है जो अच्छा लगता है वो हमारे ओरिजिनल नेचर है फॉर एग्जाम्पल आत्मा जो स्पिरिट है जो कॉन्शस बींग है उसको ज्ञान अच्छा लगता है hmm. इसलिए नॉलेज इज द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द सोल ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता है अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है ज्ञान आहरण करना सबको अच्छा लगता है इसी प्रकार जब जीवन में ज्ञान आ जाता है जीवन में स्वच्छता आती है प्योरिटी स्वच्छता माना प्योरिटी और प्योरिटी को ही द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहते हैं जी तो जीवन में जब कोई व्यक्ति अगर स्वच्छ हो जाता है प्योर हो जाता है सुख और शांति ऑटोमेटिकली उसके जीवन में आते हैं और जहाँ सुख और शांति है तो वहाँ आपस में प्रेम प्यार से सभी रहते हैं और जहाँ ज्ञान है पवित्रता है सुख शांति है प्रेम है सभी का जीवन आनंदमय हो जाता है और जीवन में ये सारी क्वालिटीज आती है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तो ये जो सात एट्रीब्यूट्स बताया नॉलेज प्योरिटी पीस लव जॉय ब्लिस एंड पावर दीज आर द बेसिक सेवन क्वालिटीज ऑफ द सोल तो आत्मा जब ये सात क्वालिटीज़ में फुल है तो आत्मा एक्चुअली स्पिरिचुअली हेल्दी कहेंगे साथ साथ हमारे पास और भी क्वालिटीज़ है ये साथ तो इनहेरेंट क्वालिटीज है लेकिन जब ये सोल ये संसार में आके बॉडी में प्रवेश करती है मैनिफेस्ट करती है और भी साथ साथ बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं जो कि हम डिवाइन भर्च्यूज कहते हैं उसमें जब वो डिवाइन वर्च्यूज देर आर थर्टी सिक्स डिवाइन वर्च्यूज मिनिमम वो सारी क्वालिटीज़ जब हमारे अंदर होते हैं उस समय हम परफेक्ट ह्यूमन बींग कहलाते हैं उस समय हम एब्सोल्युटली हेल्दी रहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं कोई रोग नहीं जो हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे आदिकाल में सत्ययुग में जो मनुष्य रहते थे उस समय हम सभी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपन्न कहलाते थे सर्वगुण संपन्न और डिवाइन भरच्यूज़ में एकदम संपूर्ण फूल थे तो जब आत्मा ये सब क्वालिटीज़ में फूल हो जाती है तब ओरिजिनल स्टेज में बिल्कुल एकदम हेल्दी अवस्था में रहती है लेकिन जब ये क्वालिटीज़ को खो देती है फिर आत्मा अनहेल्दी हो जाती है फिर स्पिरिचुअल इलनेस शुरू हो जाती है मतलब आत्मा के अनहेल्दी होने से फिर शरीर पर इफेक्ट आता होगा हाँ डेफिनेटली जो बीमारियाँ हमें आ रही हैं शारीरिक कारण तो है लेकिन ये जो मिसिंग डायमेंशन जो हमने इस मेडिशन किया है अगर आत्मा के अंदर ये कमजोरियां हैं ये बीमारियां हैं जी तो शरीर बीमार होते लगता है क्योंकि स्पिरिचुअल डायमेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड सोशियल ये तीनों पर कैसे असर होता है मैं बताऊंगा मैं मेरा कहने का सारांश यही था कि आत्मा जब सभी प्रकार स्पिरिट जब सभी प्रकार के भर्च्यूज में कंप्लीट होती है तो उस समय टोटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ का वो अनुभव होती है लेकिन जब आत्मा के अंदर वो सारी भर्च्यूज धीरे 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 कम हो जाती है तो दोल बिकम्स अनहेल्दी एंड लस्चरलेस तो उसके अंदर जो खूबियाँ हैं जो रोशनी है जो प्रकाश है वो सारी कम होती जाती है और फिर हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ वाइसेस, जो मूल कारण आज बताया हम चर्चा कर रहे थे कल जो अनहेल्दी लाइफ में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे अंदर जब अनहेल्दी रिलेशन्स हो जाता है हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ पैदा हो जाती है फिर बीमारियां होती हैं हम चर्चा कर चुके हैं सो दोल इज़ हेल्दी वन इट हैज़ ऑल द बेसिक फर्च्यूज इन फुल परसेंटेज अब अगला प्रश्न ये उठता है सर जब आत्मा अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित थी उसके अंदर ये गुण थे जी और धीरे धीरे ये गुणवत्ताएं खत्म हुई जी तो फिर बीमारियां कैसे इसमें आने लगी वो क्या कारण बने इस संसार में दिन भी है तो रात्रि भी है है ना नहीं बिल्कुल तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ वट इज डार्कनेस प्रकाश की अनुपस्थिति कैसे yes, वेरी गुड डार्कनेस इज नथिंग बट द एबसेंस ऑफ लाइट डार्कनेस कोई चीज नहीं होती है प्रकाश का अभाव को ही हम अंधकार, अंधकार हैं। कहते हैं इसी प्रकार आज जो मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ है अनेक प्रकार के डिजीजेस है है द डिजीज आप देखना इसके तो बहुत सारे कारण परंतु वन ऑफ दी कॉज इज आज देखना किसी को बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी किसको को डी थ्री की डेफिशियं किसको कैल्शियम की डिफिशियंसी किसको आयरन की डिफिशियंसी के कारण किसको एनीमिया हो रहा है किसका हड्डी फ्रैक्चर हो रहा है किसको क्या क्या हो रहा है तो डेफिशिएंसी इज ए कॉज ऑफ डिजीज तो इस प्रकार जो आत्मा आज बीमार हो चुकी है अनहेल्दी हो चुकी है स्पिरिचुअल जो पैदा हो गए हैं इसका कारण है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज थी ये क्वालिटीज हम खो दिए डिटोरिएट hmm. हो गए जैसे रोशनी की कमी होती जाएगी अंधकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसी प्रकार जब आत्मा हंड्रेड परसेंट जैसे हंड्रेड परसेंट लाइट है तो अंधकार कहीं होगा hmm. मतलब तो जिस तरह से आत्मा के अंदर से ये गुणवत्ताएं कम हुई जी। तो जीवन में अंधकार धीरे धीरे यानी बीमारियां ये परेशानियां कष्ट आने शुरू हुए देखिए इस चित्र में आपको क्लियर होगा आज देखिए घर घर में लड़ाई झगड़ा हवच लालच एडल्ट्रेशन करप्शन जो चल रहा है आज लोगों को जो हवच है अब देखना लोग करोड़पति होंगे फिर भी और कैसे आए और कैसे आए उतने में संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टता एक डिवाइन वर्च्यूज है एक क्वालिटी है जब हम संतुष्टता को खो देते हैं धीरे तो धीरे जैसे जैसे संतुष्टता कम होती जाती है लालच लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर बिल्कुल ही एब्सोलटली सेटिस्फाइड वो किसी से रिश्वत लेगा नहीं कहीं किसी का पैसा गिर गया तो उठाएगा जरूरत ही नहीं है जैसे टॉलरेंस कम होता जाता है कम होता जाता है गुस्सा और बढ़ता जाता है पहले अगर मान लीजिए थोड़ा सा टॉलरेंस कम होगा तो आप अंदर अंदर चिड़चिड़ होंगे लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे थोड़ा सा और टॉलरेंस कम हो गया देखना दो शब्द गाली गुला शुरू हो जाएगा और थोड़ा टॉलरेंस कम हो जाए हाथ लगा देंगे <laughs> तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज को हम खो बैठते हैं अंदर ये नेगेटिविटीज पैदा होते हैं सो लैक ऑफ वर्च्यूज इज कॉल्ड वाइसेस नेगेटिविटीज और इसके कारण ही हम सब आज स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो चुके हैं हमारी आत्मा को अनेक प्रकार की बीमारियां लग चुकी है तो स्पिरिचुअल वेल बींग मीन्स बींग इन द ओरिजिनल स्टेज ऑफ द ट्रू सेल्फ हम रियली really कौन है द इनर सेल्फ ट्रू सेल्फ हम वही आत्मा है स्पिरिट है उसके ओरिजिनल नेचर में जब हम स्टेज स्थित रहते हैं तो ही हम वास्तव में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाते हैं द ओरिजिनल स्टेजेस ऑफ दिस सेल्फ इज प्योर पीसफुल पावरफुल कूल काम एंड कंटेंटेड यही हमारे तो ओरिजिनल नेचर है तो इसको जब हम खो देते हैं तो ही तो बीमारियां होती है सो स्पिरिचुअल हेल्थ जैसे हम डेफिनेशन बताते हैं डब्ल्यू एच ओ का कोई बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है कंप्लीट हेल्थ मीन्स इट इज द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मीयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी कोई बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है mm -hmm. लेकिन जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक रीति से स्वस्थ है तभी उसको हम स्वस्थ कहेंगे इसी प्रकार स्पिरिचुअली हेल्दी माना नॉट ओनली दी एब्सेंस ऑफ भाइसेस कोई कहते मेरे अंदर कोई विकार नहीं है कोई अवगुण नहीं है तो उसको स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं कहेंगे स्पिरिचुअली हेल्दी माना इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट विजडम वर्च्यूज एंड स्पिरिचुअल पावर्स जो व्यक्ति के अंदर संपूर्ण ज्ञान है सभी गुणों से भरपूर है आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है वही व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी है खाली विकारों का ना होना मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है मैं कोई विकार नहीं मेरे अंदर कोई भाइसेस नहीं है इसका मतलब वो स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है स्पिरिचुअली हेल्दी बना हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्ति में भी हम भरपूर होना चाहिए तो कहेंगे स्पिरिचुअली हेल्दी तो आज के इस सफर में हमने जाना स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में और उसमें भी खास अपने बारे में यानी खुद को जाना आत्मा की वास्तविकता को समझा जब हम इस रियल सेंस में जाते हैं तो हमारे अंदर वो गुणवत्ताएं पैदा होती है जिनकी वजह से हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं आत्मा के उन गुणों को नेचुरल नेचर को हम फील करते हैं तो इलनेसिस बीमारियाँ जाने लगती हैं आज के सफर में इतना ही कल हम जानेंगे स्पिरिचुअल डिसीजेज़ स्पिरिचुअल इलनेस के बारे में विस्तार से धन्यवाद नमस्कार